क्या नाम है आपका? मेरा नाम कपिल पंडित है, मैं खैर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे आया था दोस्त लोगों से ग्रुप में, पता चला कि यहाँ कैंप लगा हुआ है, उस वजह से यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे देखा था 1.5-2 हज़ार बच्चे थे, और 1.5-2 हज़ार बच्चों को देखते हुए कंपनी वालों ने फिर मना कर दिया। फिर रिज्यूम जमा करने से बोला है कि आपको फ़ोन पर ही सूचित किया जाएगा। किस चीज़ की जगह थी ये? फिटर, इलेक्ट्रिशियन और ड्राइवर कुछ। कितनी जगह निकाल दी थी इन्होंने? जगह 50-100 के समथिंग बता रहे थे। अब क्या करोगे? अब घर जाएंगे, और कुछ नहीं, आए थे जॉब के लिए आए थे। तुमने क्या कर रखा है? जी मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, आईटीआई कर रखी है। मेरा नाम है अजय पांडे। पांडे जी क्या हुआ था? मैं आया था, मतलब कानपुर से चला यहाँ पे अलीगढ़, मतलब कैंपस सुना, कैंपस की भर्ती देखने आया होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड में। तो जैसे ही यहाँ आया तो काफ़ी भीड़, मतलब ना यहाँ कोई टाइम टेबल दिया गया ना कुछ, मतलब बताया गया कि किस समय इंटरव्यू है, क्या होगा। जैसे अंदर प्रवेश किया, प्रवेश के बाद ये पता चला सब लोगों को बाहर निकालना है। कौन सी जगह है ये? है अलीगढ़ आईटीआई, राजकीय आईटीआई गवर्नमेंट। तुम्हें कैसे पता पड़ा था ये? हम लोगों को व्हाट्सएप में पता चला गया था दोस्तों के द्वारा। नहीं रोज़गार तो कुछ नहीं, वो होंडा कंपनी है, होंडा पार्ट्स लिमिटेड, उसका कोई फ़ोन आया था हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट में, उन्होंने कोई मेल किया होगा कि उन्हें 8-10 बच्चे चाहिए थे। तो हमारे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सर ने कह दिया कि चलो रोज़गार मिल जाएगा बच्चों को, ज़्यादा वो है नहीं, 10 बच्चे मांग रहे हैं तो थोड़े बहुत बच्चे आ जाएंगे, 10-20 सेलेक्ट कर लेंगे जो अच्छे लगेंगे। तो इन्होंने उनसे कह दिया कि ठीक है आप आ जाना, जो बच्चे उस दिन आ जाएंगे उनसे ले लेना। अब ये बात किसी जो स्टाफ को पता लगी या कहाँ से, ये सोशल मीडिया पे लोगों ने इसका प्रचार कर दिया, जबकि ना कोई रोज़गार मेला लगाया गया। अब तो सोशल डिस्टेंसिंग का और उसका वो पूरा हो रहा है, लॉकडाउन बीच बीच में चल रहा है, लेकिन ये था कि 10-20 लोगों को तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इंटरव्यू करा देते तो किसी को जॉब मिल जाता, ये सोच के इन्होंने उनसे यस कर दिया ट्रेनिंग प्लेसमेंट वालों ने। लेकिन जब वो सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया, व्हाट्सएप पे या उसमें यूट्यूब पे भी डाल दिया, बता रहे हैं फेसबुक पे भी किसी ने डाल दिया, जबकि हमारे यहाँ किसी ऑफिशियल उससे कोई इस तरह का नहीं डाला गया है, ना कोई मतलब प्रचार किया। तो अचानक सुबह जो है भीड़ हो गई इकट्ठी बाहर रोड पे, जब ज़्यादा भीड़ हो गई, रोड जाम हो गई, तो उसको हमने अंदर कैंपस में ले लिया कि रोड जाम हो रही है, और फिर उनको समझा के बाद में पुलिस आ गई थी, फिर उनको वापस हमने भेज दिया तो चले गए, कंपनी वाले भी चले गए और वो बच्चे भी चले गए। बताया जा रहा है काफ़ी गोरखपुर, हरियाणा, पंजाब से भी बच्चे आए थे, काफ़ी दूर से भी बच्चे आए थे। हाँ बता रहे हैं काफ़ी दूर से भी बच्चे आए थे। अब ये सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया, उस वजह से लोग जो है आ गए, क्योंकि बेरोज़गारी है तो उसका वो सोच के आ गए होंगे रोज़गार की अपनी उसमें। क्या जितनी जगह थी क्या भर्ती होगी उसमें? नहीं वो आगे कभी जो आएगा तो फिर कंपनी आएगी कोई तो उस समय बताया जाएगा, अभी तो कोई है नहीं।